हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। अगर दोस्तों आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने लॉक करा, और लॉक करने के बाद दोस्तों आप देखोगे मैं यहाँ पे डिस्प्ले में टच करूँगा, मेरा फ़ोन अनलॉक हो जा रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर टाइप करते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में कोई भी, आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, कोई भी लॉक नहीं है, लेकिन मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को कैसे अप्लाई करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर टैप एंड होल्ड करना है कुछ इस तरीके से। जैसे दोस्तों आप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे वॉल पेपर वाला ऑप्शन आएगा, विजिट वाला ऑप्शन आएगा और सेटिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, तो आपको यहाँ पे थीम्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। थीम्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार मिलेगा, तो सर्च बार में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको टाइप करना है फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, फिंगरप्रिंट टाइप करने के बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कई सारे थीम्स आ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाली थीम पे क्लिक करना है। ठीक है, इस वाली थीम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, तो आपके फ़ोन में यहाँ पे डाउनलोड लिखा होगा, तो सिंपली पहले इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे दोस्तों आप अप्लाई करोगे, अप्लाई होने के बाद आपके फ़ोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला जो लॉक है अवेलेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। बाय।